दोस्तों इन दिनों दबंग खान की आने वाली फिल्म को लेकर जो खबरें हम लोगों के सामने आ रही ना, उसको देखने के बाद भैया एक गाना दबंग खान और खिलाड़ी कुमार को ध्यान में रखते हुए मेरे दिमाग में आ रहा है कि तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा खिलाड़ी ये, पीछा ना मैं छोड़ूंगा खिलाड़ी ये, भेज दे चाहे जेल में बॉक्स ऑफिस के खेल में। तो भैया बॉक्स ऑफिस के खेल में भाई ये दोनों बेहतरीन कलाकार आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं 2024 में। तो भैया कैसे इन दोनों बिगेस्ट स्टार के बीच में होगा महामुकाबला बॉक्स ऑफिस पर, चलिए मैं आपको समझाता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि आज से कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि भैया दबंग खान ने अब ये फैसला कर लिया है कि भैया वो अपने पारिवारिक प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों को करना बंद कर देंगे, क्योंकि भैया उनको इन फिल्मों की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है, उनकी साख जो है वो कमज़ोर हुई है दर्शकों के बीच में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दबंग खान ने ये फैसला किया है कि वो भी अब अच्छी फिल्मों का चयन करेंगे, जिसके वजह से भैया वो बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब हो। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाल फिलहाल में ही भैया उन्होंने एक बार फिर से बात करना शुरू किया है भाई संजय लीला भंसाली के साथ कि भैया जिस फिल्म को उन्होंने छोड़ दिया था उसे वो करने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी कि भैया इंसा अल्लाह को लेकर ये खबर इंटरनली हम लोगों के सामने आने लगी है, यानी भैया अंदर खाने से ये खबर निकल के आई है कि बहुत जल्दी ही संजय लीला भंसाली भी अपनी इस फिल्म को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। तो भाई अगर ये फिल्म फ्लोर पर जाती है तो भैया इस फिल्म को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भैया ये फिल्म जो है वो 2024 के ईद पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि भैया जब ये फिल्म 2024 के ईद पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो भैया इस फिल्म का मुकाबला सीधा सीधी खिलाड़ी कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली मच अवेटेड फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से होगा, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं इन दिनों अली अब्बास जफर। तो भाई ये फिल्म क्या फ्लोर पर जाएगी इसको लेकर भी थोड़ा सा संशय बन गया कल से, क्योंकि भाई कल एक बहुत बड़ी खबर हम लोगों के सामने आई कि भाई सलमान खान के करीबी मित्रों में से एक सूरज बड़जातिया जो हैं वो अपनी फिल्म को उनके साथ बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी भैया जो फिल्म उन्होंने प्लान किया था सलमान खान के लिए प्रेम की शादी, वो उसे अगले महीने फ्लोर पर ले जाने की तैयारियों में जुट चुके हैं, जिसको लेकर खबरें तो यहां तक आ चुकी है कि भैया इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इस फिल्म को प्रोडक्शन के फेज में जाना है। यानी भैया अगस्त के महीने से ये फिल्म भैया चली जाएगी इंडोर शूट के लिए, यानी कि भैया इस फिल्म के जितने भी इंडोर वाले सीक्वेंस है ना वो शूट किए जाएंगे भाई अगस्त के महीने से। तो भैया अगर अगस्त के महीने से सलमान खान अपनी इस फिल्म का काम शुरू कर रहे हैं तो भैया वो संजय लीला भंसाली की फिल्म के काम को कैसे शुरू कर पाएंगे, क्योंकि भैया संजय लीला भंसाली को लेकर ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो अपनी फिल्मों को बहुत ही ठहराव के साथ बनाना चाहते हैं मेरे भाई। यानी भैया वो अपनी फिल्मों को बनाने में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाते हैं, वो हर एक सीक्वेंस को हर एक सीन को हर एक शॉट को बहुत ही प्यार से तैयार करते हैं, तभी उनकी फिल्में जो हैं भाई कैनवस की तरह नजर आती हैं सिनेमाघरों में। तो भाई संजय लीला भंसाली पूरा टाइम लेते हैं अपनी फिल्मों को बनाने के लिए, तो भाई जितना टाइम उनको चाहिए भैया उतना टाइम तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि भैया सलमान खान उनको दे पाएंगे जब वो सूरज बड़जाती है कि फिल्म यानी कि भाई प्रेम की शादी का काम शुरू कर देंगे। और भाई इसी बीच में संजय लीला भंसाली को लेकर एक और खबर हम लोगों के सामने आई है कि भाई वो बहुत जल्दी ही अपने एक और फिल्म का काम भी शुरू कर सकते हैं, जिसका नाम होगा बैजू बावरा। जी हाँ, बैजू बावरा को भी लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का काम भी बहुत जल्दी संजय लीला भंसाली शुरू कर सकते हैं और इस फिल्म के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट कास्ट भी रेडी कर लिया है मेरे भाई। यानी इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हाल फिलहाल में ही निकल के आई है कि भाई इस फिल्म में रणवीर सिंह की एंट्री हो रही है और इस फिल्म में उनके अपोजिट नजर आएंगी आलिया भट्ट। तो भाई ये फिल्म अगर फ्लोर पर चली जाती है तो एक बात तो पक्की है कि भैया इस साल इंसा अल्लाह का काम शुरू नहीं होगा। जब तक इस फिल्म का काम शुरू नहीं होगा तब तक भैया संजय लीला भंसाली इंसा अल्लाह का काम शुरू नहीं करेंगे, ये बात तो पक्की है। यानी कि भैया अगर इंसा अल्लाह का काम इस साल शुरू नहीं होता है तो भाई अक्षय कुमार की फिल्म सलमान खान की फिल्म से
टकराने से बच जाएगी। लेकिन भैया यहाँ पर भी एक और सवाल खड़ा होता है कि भाई यहाँ अगर इंशाल्लाह का काम शुरू नहीं हो रहा है तो भैया 2024 की ईद पर क्या प्रेम की शादी सिनेमा घरों में रिलीज होगी? क्योंकि भाई इस फिल्म का काम तो सूरज बरजाती अगस्त के महीने से शुरू कर रहे हैं, तो भाई ऐसा तो हम लोग कह सकते हैं कि इस फिल्म को जल्द से जल्द कंप्लीट करके सलमान खान चाहेंगे कि उनकी ये फिल्म ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो। लेकिन भाई यहाँ पर सूरज बरजातिया को लेकर एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया उन्होंने इससे पहले जो दो फिल्में दी हैं सलमान खान के साथ, वो अपनी उन फिल्मों को भैया दीपावली के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज किया है। यानी कि भाई मैं बात कर रहा हूँ प्रेम रतन धन पायो की, जो कि भैया 12 नवंबर को 2015 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिस दिन भाई दीपावली थी। और उससे पहले उनकी जो फिल्म आई थी हम साथ साथ हैं, भैया वो फिल्म 5 नवंबर को 1999 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और भाई उस दिन भी दीपावली था। उससे पहले सलमान खान के साथ सूरज बरजातिया ने जो बाकी दो फिल्में बनाई थी वो दोनों फिल्में कभी भी ईद पर सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई थी। यानी कि भाई मैं बात कर रहा हूँ हम आपके हैं कौन, जो कि भैया 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई थी, और मैंने प्यार किया, जो कि भैया सलमान खान की कैरियर की वो पहली फिल्म थी जिसके माध्यम से वो एज ए लीड एक्टर के तौर पर सिनेमाघरों में नजर आए थे, जो कि भैया 29 दिसंबर 1989 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इस बात को लेकर उठता है कि भाई दो फिल्मों को तो सूरज बरजातिया ने दीपावली पर रिलीज नहीं किया है, लेकिन भाई अभी हाल फिलहाल की दो फिल्मों को उन्होंने दीपावली के शुभ अवसर पर ही रिलीज किया है। और भाई अगर वो अपनी इस फिल्म को दीपावली के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में लेकर आते हैं तो भाई इस दिन दो फिल्में सलमान खान के सामने होगी। एक फिल्म होगा हाउसफुल का पार्ट 5 जिसमें भैया खिलाड़ी कुमार नजर आएंगे यानी कि अक्षय कुमार, और दूसरी फिल्म होगी भूल भुलैया का पार्ट 3 जिसमें कार्तिक आर्यन नजर आएंगे। तो यहां पर अगर प्रेम की शादी दीपावली के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होती है तो भैया इन तीनों फिल्मों में से मैदान छोड़ेगा कौन, सवाल ये उठता है। और आपको क्या लगता है अगर इंशाअल्लाह नहीं शुरू होती है इस साल और ये फिल्म अगर नहीं जाती है फ्लोर पर और ये फिल्म अगर नहीं आती है 2024 के ईद पर, तो क्या प्रेम की शादी को भैया ईद के ही शुभ अवसर पर आना चाहिए? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।